ओके सो वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज तरुणदीप, प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर टुडेज सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को सेशन में देखकर। और माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस सेशन हियर, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो आज का ये सेशन है, सिर्फ एक बिजनेस सेशन नहीं बल्कि आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन साबित हो सकता है। जब हमने इस तरह के सेशन को पहली बार अटेंड किया था, इवन वी रियलाइज्ड दैट इट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट हु वाज प्रेजेंट देयर ऑन द सेशन, और वही चीजें आपके साथ भी होने वाली हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं प्रोबेबली, और घर में बैठे हैं तो कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। पेट्स डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अनवांटेड फोन कॉल भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा और अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। आप चाहें तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। टूडे वी हैव वन ऑफ द ग्रेट स्पीकर विद अस, अ मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, फुल ऑफ विजडम, मोस्ट रिस्पेक्टेड इन आर टीम्स एंड हाईली एनर्जेटिक। और मैं इतना जानता हूं कि वो आज जो भी बात करने वाले हैं वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की तो बात होंगी, लेकिन दिल से बात करेंगे, और दिल से हुई निकली हुई बात दिल तक जाती है। सो बिफोर आई कॉल हिम ऑन द स्टेज, मे आई फर्स्ट नो कि हु आर ऑल एक्साइटेड टू लिसन टू आवर टुडे स्पीकर। कैन वी हैव योर मैसेजेस इन द चैट सेक्शन प्लीज, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी your messages in the chat section. Who all are excited? Okay, so messages have started to flow. That's great. Jaswinder ji excited. Yes, yes, yes. Okay, great. बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी की excitement देखकर, and with your great excitement, let us call on the digital stage along with your great round of applause, Mr. Raghubir Singh ji. Thank you so much for your warm welcome, Tarun ji, and hope I am audible. Exactly, loud and clear. आज सभी पार्टिसिपेंट वेलकम करते हैं इस सेशन के अंदर, और इस सेशन के अंदर मैंने जो कुछ सीखा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक उससे 1 mile एक्स्ट्रा पहुंचा सकूं। तो जैसा तरुण जी ने बताया कि बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम बीटेक एमटेक। तो कहीं ना कहीं इतनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं कुछ अलग से अपॉर्चुनिटी को कर रहा हूं, अवेल किया है मैंने, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ रीजन रहा होगा। हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफेशन के अंदर स्किल होना एक अलग बात है, और कहीं ना कहीं की जरूरतें और आपकी इनकम के बीच में ये जो गैप है, इसको एग्जिस्ट थी, और ये मेरी जरूरतें थी, ये मेरी नीड्स थी, ये मेरे ड्रीम्स भी थे, जो कभी भी इतनी इनकम से इतने सारे फुलफिल नहीं हो सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, अगर इनकम कम है तो हम ऐसी बीवी ढूंढ लेंगे जो कहीं ना कहीं इसमें एड ऑन करे, और वो हुआ भी, वाईफाई वो भी अर्न करने लगी, हमारी इनकम इतनी हो गई, साथ में पार्सल और आया, उसकी खुद की भी डिमांड्स थी, और ये डिमांड्स का सर्कल भी और बड़ा हो गया, और ये जो गैप था ये और ज्यादा बड़ा हो गया। और बिलीव मी, बेबी होने के बाद तो ये सर्कल और बड़ा हो गया। तो यही कुछ सर्कल था, इसमें जो गैप्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हम लोग देखते रहते थे, हम लोग ओपन थे अपॉर्चुनिटीज के लिए, और ऐसे ही भगवान का एक नजारा बना
जिसमें थैंक गॉड मेरी जॉब छूट गई, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, और उस लॉस की पहली चीज आइडेंटिफाई क्या की मैंने कि फुल टाइम जॉब जो है सबसे वर्स्ट थिंग है लाइफ के अंदर. आई रिपीट, फुल टाइम जॉब जो है सबसे वर्स्ट थिंग है लाइफ के अंदर. एंड सेकंड थिंग जो मैंने आइडेंटिफाई की कि पार्ट टाइम के अंदर जो पावर है वो फुल टाइम से बहुत ज्यादा है. क्या है कि पार्ट टाइम, एक पहले जब हम छोटे होते थे तो हमें पता है कि हमारे टीचर्स वो पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी जरूरतें उन सैलरी से नहीं पूरी हो पा रही थी जो वो फुल टाइम परमानेंट जॉब कर रहे थे. तो ऐसी सिचुएशंस को जब हमने देखा तो पता चला कि यार टाइम के अंदर जो हम लोग कर सकते हैं वो शायद फुल टाइम के अंदर कभी भी नहीं कर सकते. एटलीस्ट और कुछ करें ना करें सेल्फ डेवलपमेंट तो जरूर कर सकते हैं हम लोग. एक वर्ड रिच जो मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट करता था समझ में आया था, बस ये सब इतना पता था कि रिच उसे बोलते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो कंजूस भी है, वो अच्छे इंसान भी नहीं है. कुछ ऐसी ऐसी मेंटालिटी आईटी से कि रिच. तो ये जो वर्ड रिच था इसका मीनिंग ही मुझे तब समझ में आया जब मेरी जॉब छूटी, जब मैंने पार्ट टाइम को समझा, जब मैंने रेगुलर जॉब्स को समझा और जब मैंने बिजनेस को समझा. बिजनेस एक चीज और समझ में आई कि यार पैसा जो है वो जॉब या बिजनेस किसमें ज्यादा है. माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाईली क्वालिफाइड हूं. मैंने क्यों क्वालिफिकेशन ली, क्योंकि मैं जॉब करनी चाहता कमाना चाहता था. लेकिन पैसा ज्यादा किसमें है, जॉब में है या बिजनेस में, ये भी समझ में आया पैसा बिजनेस में. और जितने भी रिच पर्सन हैं वो सब बिजनेस के थ्रू रिच बने हैं, जॉब के थ्रू कोई नहीं रिच बना. लकीली जब गॉड का प्लान होता है, जैसे आज गॉड का प्लान है आप ये मीटिंग आज अटेंड करो, इनवाइट किया या आपको किसने इनवाइट किया, वो गॉड का प्लान है. वो सिर्फ जरिया बना है आपके जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपको कुछ अभी रियलाइज हो जाएगा. तो जब मैं इन सब चीजों के बीच में से निकल रहा था तो मनटेक सिंह आलूवालिया, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी 1940 के अंदर. ही सेड कि 10 रुपीस के साथ फैमिली का 60 के अंदर ये 100 हो गया, 1980 के अंदर 1000 हो गया, 2000 के अंदर ये 10,000 हो गया, 2020 के अंदर 10,000 से ये बढ़कर 1,00,000 हो गया. मतलब 1940 के अंदर जिस फैमिली का गुजारा 10 रुपए से होता था, 2020 में उस फैमिली का गुजारा आज 1,00,000 से होता है, और वो भी कॉमन ड्रीम्स पूरे नहीं होते. ये मनटेक सिंह आलूवाले की रिपोर्ट मुझे देखने का मौका मिला, और उसी दौरान मिला जब मैं इन सब चीजों के थ्रू पास ऑन हो रहा था. इसी से एक प्रिडिक्शन भी आई कि 2040 के अंदर 10,00,000 रुपीस होनी चाहिए अगर आपको अपनी फैमिली चलानी. तो ये जो इनकम हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड, ये इनकम 2020 में भी 1,00,000 नहीं होने वाली थी और 2040 में भी माय डियर फ्रेंड्स ये 10,00,000 नहीं होने वाली. तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको सोचने के लिए मुझे, जो मैं बात कर रहा था आपके साथ पार्ट टाइम के अंदर और जॉब और बिजनेस की डिफरेंशिएशन के अंदर, यहां पर इवैल्यूएट होती है. हुआ क्या, मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में अगर इतनी पावर है कि कोई आलस अकेडमी भी रन कर रहा हूं और इसी के साथ और भी कुछ ऑनलाइन वेंचर्स कर रहा हूं, लेकिन चीज कहीं ना कहीं खटक रही थी, जॉब या बिजनेस. तो कुछ ऐसा क्यों ना सोचा जाए कि पार्ट
टाइम जॉब नहीं बिजनेस करो, क्योंकि मैं जॉब क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और बिजनेस का कोई आइडिया कोई बताने वाला नहीं, लेने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं पता है बिजनेस के बारे में। लेकिन एक थॉट ले लिया कि यार पार्ट टाइम के अंदर अगर बिजनेस कर लिया जाए कुछ, चलो इस थॉट के साथ मैंने एक इन्वेस्टर को सर्च करना शुरू किया और इन्वेस्टर ने मुझे बताया कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं पता था। देन उसके बाद मुझे नॉलेज भी नहीं थी और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। इसी दौरान गॉड का नेक्स्ट प्लान मेरी और माय रिस्पेक्टिव मेंटर भी है, मेरे अपलाइन है, उनको मेरी लाइफ में उन्होंने भेजा। तब क्या हुआ, पता चला कि उन्होंने मुझे दो बुक सजेस्ट की। मैं उनसे बिजनेस के बारे में कुछ बात करता रहता था बिकॉज वो स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत इंटेंसिव एक्सपीरियंस है उनका। तो स्टार्टअप्स के साथ जब मैंने उनसे बात की कि मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पर्टिकुलर मुझे पॉल रिजन पिल्जर की एक बुक दी। उन दो बुक से मुझे ये पता चला जो इन्वेस्टर ने मुझे कहा था कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बताइए। क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट था, जो इन दो बुक से पता चला कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको मनटेक सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट के साथ कंप्लायंस कर इनकम, तो आपको इन दो कैटेगरीज के अंदर पिसोगे तो 100% सक्सेसफुल होगे। पहली कैटेगरी है डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स और दूसरी कैटेगरी है वेलनेस इंडस्ट्री। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं है कि खाकर आप क्योर होते हो, क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। वेलनेस इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का काम था, हर घर काम है इन दवाइयों को अपने घर से निकाल लेगा। आज देखो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट स्ट्रोक्स, अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स नंबर वन डायबिटिक, और 65% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज यंगस्टर, दे आर ऑल्सो वो भी इस डायबिटिक तक का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये वेलनेस इंडस्ट्री, अगर इस चीज से बचना और अगर करना ही है, जुड़ना ही है, तो व्हाई नॉट टू डू बिजनेस विद दीज प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स और वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर आप बिजनेस कर सकते हैं। अब चैलेंज आ रहा था मुझे इन्वेस्टमेंट का, और सेकेंड चैलेंज मुझे आ रहा था वो आ रहा था कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए जो मेरा रिस्क है उसको कैसे टैकल किया जाए। बात चलते चल रही कि क्योंकि जब किसी तरफ हम लोग फोकस करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है और कुछ ना कुछ आगे आगे मिलता रहता है। तो जब मैं स्टडी कर रहा था कि यार कोई शॉप में कोई ऐसी शॉप लेते हैं जिसमें ये दोनों चीजें, लेकिन तभी जो ट्रेंड था वो इतनी फास्ट बदल रहा था कि जो शॉप्स का सिनेरियो था वो ले लिए, मॉल्स ले चुके थे, जो शेप थी शॉप्स की शेप थी वो, लोग एक ही जगह जाना पसंद करते हैं, सिंगल रूफ के अंदर सब कुछ मिल जाए। अब जो मेरा सपना था वो अगेन मुझे थोड़ा सा वीकर होता हुआ दिखाई देने लगा। तो मॉल्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतना इन्वेस्टमेंट का तो लगता था। लेकिन जब आगे थोड़ा सा और बढ़ा तो मुझे पता चला ये मॉल्स भी अब आने वाले टाइम में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चेंज हो जाएंगे, और जो हो चुके आज की डेट, ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं। मॉल से ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और पिछले 1.5-2 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसकी मुझे ना बात करने की जरूरत है ना एग्जांपल देने की, सब लोग अवेयर है। नाउ
इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली जानने के बाद अगेन मैं वही खड़ा था जहां खड़ा था, लेकिन करना था पार्ट टाइम के अंदर बिजनेस, जॉब नहीं करनी थी। तो एक प्लेटफॉर्म के बारे में तरुण जी ने मुझे बताया जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस सबसे पहले कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बनता है और वहां से वो कुछ एजेंट्स के हाथों से गुजरता हुआ एडवर्टीजमेंट के डिपार्टमेंट के पास जाता है और होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से वो आप और हम लेकर खरीदते हैं उसे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक प्रोडक्ट बना जिसकी कॉस्ट 30-40 रुपीस बनी और एजेंट ने उसको क्योंकि पास किया है, उसको रिस्पेक्टिव हाथों में दिया है जहां उसकी प्रमोशन हो सके, जहां वो उसने इस चीज को जो उसने अपना कॉन्सेप्ट जो अपना माइंड लगाया और ये प्रोडक्ट 50 का हो गया। एडवर्टाइजमेंट वालों ने करोड़ों रुपए लिए, जैसे सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है और स्पोर्ट्स पर्सन है, इन्होंने इस प्रोडक्ट को आगे मूव करने में हेल्प की कंपनी की, प्रमोट करने की, और इन्होंने अपनी कॉस्ट भी इसके अंदर एड अप कर दी। इसी तरीके से कुछ पैसे होलसेलर ने, कुछ पैसे आपके रिटेलर ने, और आते आते ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे पास अराउंड 90-100 रुपीस का पड़ जाता है। यहां पर जो प्रोडक्ट यहां पर बनकर मूव हुआ, ना उसकी क्वांटिटी चेंज की ना क्वालिटी चेंज की, लेकिन एक चीज चेंज हुई, दैट इज प्राइस। और माय डियर फ्रेंड्स, एजेंट्स को, एडवर्टीजमेंट वालों को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है आप और मैं, कस्टमर। मतलब जो चीज 30-40 रुपीस की बनी थी वो 100 की आते आते 100 की पॉकेट पे जो पैसा जा रहा है वो किसका जा रहा है? वो मेरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर इस चीज को हम लोग यहां से निकाल दें, जितने भी मीडिएटर्स है इनको निकाल दें, और अगर हम कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्टली जोड़ दें, तो ऐसे मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहा जाता है। वेरी सिंपल, डायरेक्टली कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास चला गया, और सेट पैसा है उसका क्या होगा? डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, ये पैसा हमारा पोटेंशियल है, यही पैसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बैकबोन है, यही पैसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये दोनों बहुत ही इंटीग्रेटेड वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर बेसिक प्रोसेस बनाया, थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ मिलेनियल्स क्रिएट कर डाले। वो कैसे क्रिएट किए, अब उसकी बात करते हैं। हुआ क्या, ये बात मेरी समझ की, ठीक है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हम लोग जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं से ये जो 60-70% पैसा वो बोल रहे हैं ये अर्न करने की कोशिश कर। मेरे पास ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई कंपनी का नाम नहीं था जो मुझे ये एक मॉडल प्रोवाइड कर सकती। फिर कॉड का प्लान, तरुण जी से मुलाकात हुई, उनकी बुक्स वापस करनी थी, उनसे मैंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्राउडली और बहुत ही पोस्चर के साथ, जिसका नाम एमवे है और जिसका नाम मैं भी आज बहुत प्राउडली लेता हूं,
इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। जब हमारी मम्मी हलवा बनाती है ना, हलवा घर में, तो उसको हलवाई कहते हैं, लेकिन वही हलवा जब मंदिर या गुरुद्वारे में मिलता है तो उसे तो इस इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको इसकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर जाना है तो इसकी वोकैबुलरी, क्योंकि हलवा तो हलवा ही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी चेंज, साथ जो जुड़ी हुई फीलिंग्स हैं वो भी चेंज हो गई। वही हलवा वैसे बनता है गुरुद्वारे में और मंदिरों में भी वैसे बनता है, लेकिन हम लोग पूरा उसको प्रणाम करके खाते हैं और मम्मी का हलवा शायद आधा छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी समझना बहुत जरूरी है। इसमें कोई मेंबर नहीं होता, इसमें कोई मेंबर नहीं होता, इसमें बनते हैं बिजनेस पार्टनर्स। और इसका एक सिनोनिम भी है जिसे बोलते हैं एसोसिएट्स। मैं बहुत प्राउडली बताना चाहता हूं कि आई एम अ पार्ट ऑफ टक्कर एसोसिएट्स, जो मेरे अपलाइन जी की। तो इसमें मेंबर नहीं बोलेंगे हम, इसकी राइट वोकैबुलरी है पार्टनर एंड एसोसिएट्स। सो आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एमवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है इसकी जो हम लोग गलत बोलते हैं, स्कीम। स्कीम नहीं है ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और यहां पर बनने में बिजनेसमैन गया था पार्ट टाइम के अंदर, लेकिन मेंटरशिप के अंदर बन गया मैं एंटरप्रेन्योर। इन दोनों बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, जिन्होंने आपको इनवाइट चलेगा। तो जो ये मॉडल था डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एमवे का, इसके अंदर मेंबर और स्कीम, ये वर्ड्स गलत वाले यूज करके बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट्स क्रिएटेड है कि ये स्कीम है और इसके मेंबर बनाने पड़ते हैं, जबकि एक्चुअल ये ओपिनियंस है लोगों के, जो फैक्ट है वो ये है कि इसमें पार्टनर और एसोसिएट्स होते हैं और ये प्योर बिजनेस है, साइंटिफिक बिजनेस। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन सिस्टम, ई कॉमर्स सिस्टम्स, इन सब के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर तरह से वो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा था जिस प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश थी। फॉर्चुनेटली ये मेरे लिए इन्वेस्टर का काम भी कर रहा था, ये मेरे लिए एक मेंटर, ये प्रोडक्ट भी बना के दे रहा था और मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को भी ये खुद हैंडल कर रहा था। तो ऐसी कंपनी जो मुझे पार्ट टाइम के अंदर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी और ये सारी चीजें साथ में जे जो मेरी लिमिटेशंस थी, तो मेरे लिए कोई रीजन ही नहीं बचता था कि मैं इसे ना करूं। क्लिक हो गया, मेरे माइंड में क्लिक हुआ और मैंने इसको ज्वाइन, मन में एक डाउट और था कि इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़े थे, एक मेरे आधार कार्ड की कॉपी और एक बैंक डिटेल, और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट साथ स्टार्ट हो सकता है? लेकिन अब सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था वो ये था कि मुझे करना क्या है। ज्वाइन हो गया, दो डॉक्यूमेंट्स दिए, आप ज्वाइन होंगे, आपके भी दो ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और तो जो मॉडल पहले हमने देखा था जिसमें बहुत सारे मीडिएटर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स की मूवमेंट हो रही थी, बिजनेस तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट है, वो मीडिएटर्स की जगह पे अब मैं आ चुका था, वहीं पर आप आ जाओ। अब जब आप आ गए, जो काम ये मीडिएटर्स कर रहे थे वो मुझे करना है।
अगर अमिताभ बच्चन नवरत्न टेलीनीट का प्रोडक्ट है तो मुझे भी वही काम करना है। मेरे में कौन से ऐसे खास फूल लगे हैं जो बिल्कुल झड़ जाएंगे भाई, कोई थे कुछ भी ऐसा नहीं था। ओके तो ये जो काम था मीडिएटर वाला, आई डिसाइडेड आई डू इट, बिकॉज अगर मैं इसे एजुकेशन से जोड़ता तो ये मार्केटिंग का काम, और अगर मैं इसे वैसे सोचूं तो ये सेलिब्रिटी का काम है, तो जो काम सेलिब्रिटी कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूं। अगर मैं आज वो काम कर रहा हूं था, थैंक्स टू तरुण सर जिन्होंने कदम कदम पर मुझे गाइड किया कि सोचना भी कैसे है, हम तो सोच भी अच्छे से नहीं पा रहे थे। ऑल राइट, यहां तक समझ में आ गया कि जो काम वो कर रहे थे वो काम मुझे कर रहा है। अब उन्होंने मुझे बताया कि रघुबीर जी आप अपने आप को यहां पे कोरिलेट करना, आप यहां पर हो, आप जो डेली नीड का सामान अपने घर से ले अपने शॉप से लेके आ रहे हो, शॉप एक्स से लेके आ रहे हो, अब आपको शॉप एक्स से नहीं लेकर आना है, वो सामान आपको अब एमवे से लेके आना है, क्योंकि एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप कस्टमर हो, और आप जो भी डेली नीड्स का आपका 2,500 का, 5,000 का, 3,000 का, जो भी आपके घर की भी खपत है, वो यहां से ना लाकर यहां। मैंने कहा ये तो बहुत इजी सा काम है, इसमें क्या, जो पैसे यहां दे रहा था यहां ना देकर यहां पे दे दूंगा। आई डिसाइडेड आई से यस, लेकिन एक एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं, अरे भाई मेरे दादाजी लक्स यूज करते थे, मेरे फादर लक्स यूज करते थे, मैं भी बचपन से लेके अब तक 20 साल तक लक्स यूज करता रहा, तो मैं ये जो हैबिट बनी थी इसको कैसे ब्रेक करता। तो जो ये डिफरेंस था इन प्रोडक्ट्स का और एमवे के प्रोडक्ट्स का, उसने मुझे एक मिनट नहीं लगाया ये डिसीजन लेने के लिए। क्या थे वो फैक्ट्स, क्या थे? नंबर वन, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे। नंबर टू, 100% मनी बैक गारंटी थी। लक्स तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आपका खुला हुआ कोई वापस ले ले। खुला हुआ क्या, बंद ही हो, एक दिन आज शाम को रख लो, सुबह को वापस करके आओ, देखो वो पूरी पंजाबी की लड़ी सुनाएगा पहले दुकानदार, फिर उसके बाद देखते। 100% मनी बैक गारंटी। कंपनी कहती है अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, लेट्स सपोज मैंने यहां से लक्स की बजाय यहां से परसोना इसका सोप लेकर आ गया और ये यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, जीरो क्वेश्चन आस्क, आप अपना खुला हुआ प्रोडक्ट, मैक्स टू मैक्स 30% तक यूज किया हुआ प्रोडक्ट, 100% पैसे वापस ले। जो ये रिस्क था वो भी खत्म हो गया, ऑर्गेनिक है और ये कंपीटेंट प्रोडक्ट्स है, कंपीटेंट इन प्राइस, जो कॉस्ट इसकी पड़ती है वही पड़ती है, इससे कम पड़ प्रोडक्ट्स हैं, ये नॉर्मल क्वालिटी, ऑर्डिनरी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम क्वालिटी की रेंज है वो आउट ऑफ रेंज है, और इसमें ये प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन इन द सेम रेंज, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब, आपने कभी ना कभी तो चूल्हे के आगे आग जरूर सेकी होगी, तो जो फायर बर्न के बाद राख बचती है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। प्रोडक्ट का जो बाय प्रोडक्ट है ना, सबसे पहला प्रोडक्ट जो है दैट इज वो एलर्जीज, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो स्किन प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां जो जिनकी दवाइयां आज घर में पड़ी हुई, वो इन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है। अगर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ जो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स एक ना एक दिन जाकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पंच तत्व विलीन जिसे बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपके पास भी आज कोई रीजन नहीं है कि आप इन प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट पे शिफ्ट क्यों ना हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके साथ बैठिए, तरुण जी के साथ बैठिए, आप गुरचरण सर जी को कॉल कर लो,
जिसको मर्जी कॉल कर लो, सब लोग आपको इन चीजों की क्लैरिटी देने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। अब क्या किया, शॉप चेंज कर ली, ठीक है बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना था, उन्होंने मुझे बताया कि जो चीज अच्छी होती है वो हम लोग सबको बताने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार, आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपकी फेवरेट बुक, आपके शहर की अच्छी शॉप, मिठाइयों वाली शॉप ले लो, कुछ भी, कोई भी ऐसी अच्छी चीज जिसे आप अनकंडीशनल प्रमोट करते हैं, कुछ मिलता नहीं आपको, बस वही काम यहां पे कंटिन्यू करना। मैंने कुछ दोस्तों को यही बात बता दी कि यार मैंने इन प्रोडक्ट्स की बजाय ये प्रोडक्ट्स लेने यूज कर रहे हैं और उसके ये बेनिफिट्स हैं, और साथ में मेरा फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो गया। इनमें से कुछ लोगों की सब कुछ अभी तक मेरी उसी स्टेज में थे जिस स्टेज में मैं पहले था, और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, यहां से सामान ना लाकर यहां से शुरू कर दिया, और मेरे और आप कनेक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट शुरू हो गई। ये प्रोडक्ट्स की मूवमेंट मैं आपको डिफरेंट दिखा देता हूं। यहां से प्रोडक्ट्स की मूवमेंट यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, लेकिन ये हुई किसके कारण, ये हुई आपके कारण। जो काम अमिताभ बच्चन जी ने किया था नवरत्न तेल के लिए, वो काम आपने कर दिया। तो जो पैसा अमिताभ बच्चन जी को जा रहा था, वो पैसा किसे जाना चाहिए, डायरेक्टली कंपनी के साथ नहीं बने हैं। आप जहां से आज तक सामान लेके आ रहे हो, आप मेंबर हो उसके, समझो वोकैबुलरी को समझो। तो जो काम ये कर रहे थे, मीडिएटर्स कर रहे थे, वो काम आपने किया, और जो पैसा वो कमा रहे थे, वो पैसा आपने कमा लिया। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बात की थी, अच्छा अब ये जो इंसान है, लेट्स सपोज ये मेरी टीम के अंदर एक नए प्रोस्पेक्ट अभी रिसेंटली ज्वाइन, ये काम तो बहुत इजी है, मैं भी कर सकता हूँ, लोगों को बताना ही तो है। लोगों को यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, लोगों को मनाना नहीं है, लोगों को बताना है। वी आर हियर टू एम्पावर पीपल, उनको अवेयर करने की जरूरत है, उनको मनाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम तो इजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। इन्होंने भी कुछ फैमिली से बात की, अब यहां पर इनका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हुआ। फॉर्चुनेटली क्योंकि ये काम आपने इनको दिया था, ये नेटवर्क आपके नेटवर्क का भी पार्ट बन गया। तो ग्रो ये हो रहे हैं, इन डेप्थ में ग्रो आपका नेटवर्क भी हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेटवर्क। और ये जो सिनेरियो है, ये जो मॉडल है, ये आपको लेके जाता है पैसिव इनकम की तरफ। अब ये पैसिव इनकम क्या है, जिसके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था कि पैसिव, मेरे को सिर्फ इनकम पता था और एक्टिव पैसिव वॉइस पता था, लेकिन ये पैसिव इनकम नहीं पता था। तो ऐसे पैसिव इनकम जो है, जो रिच लोग हैं, ये उनकी इनकम होती है। अब ये इनकम होती कैसे है, एक्चुअल में जब मैं बात कर रहा था कि मेरी इनकम थी, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैं मंथली लगाता हूं, लेट्स सपोज 50,000 मेरी इनकम थी पर मंथ। अब काम कितना करता था, 8 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, और बन जाती थी वो मेरी 50,000 पर मंथ। लेकिन ना अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता, इससे ज्यादा मास्टर से ज्यादा मैं क्या करूंगा, डॉक्टरेट कर लूंगा, पीएचडी कर लूंगा, थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन मनटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट को तभी भी टच नहीं कर पाएगी। तो क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने क्वालिफिकेशन को इंप्रूव किया, मेरी यहां से बढ़कर हो जाएगी 80,000 पर मंथ। क्यों, क्योंकि मेरे दो हाथ है, मैं दो हाथ से कमा रहा हूं। लेकिन जो रिच पर्सन हैं, वो अपना नेटवर्क हमेशा स्कूल में पढ़ाई गई ना, हमारे पेरेंट्स को पता थी, वो अवेयरनेस थी। तो ये बात पता कहां से चलती है हमें,
थैंक गॉड मेरी जॉब छूटी, थैंक गॉड। तो अब दो हाथों से मैं 80,000 ही कमा सकता, तो ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं रिलायंस की, टाटा की, बाटा की और ऐसी बिग इंडस्ट्रीज जो फ्रेंचाइजी सिस्टम से एंड सो ऑन, ये एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं और अपने कास्ट बढ़ा लेते हैं। अगर ये शॉप्स लेते हैं हम, लेट्स सपोज ये शॉप्स हैं, ये बाटा की शॉप्स हैं, 10 घंटे खुली, ये भी खुली 10 घंटे, ये भी खुली 10 घंटे, ये भी खुली 10 घंटे और ये भी खुली 10 घंटे, 1, 2, 3, 4, 5 भाई साहब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये मेथड है, ये मल्टीप्लिकेशन होती है ना आर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आर्स बढ़ गए, मल्टीप्लायर बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गई, सो सिंपल। अब यहां पे हुआ क्या, अब लेकिन इनकी इतनी सी शॉप्स तो नहीं है ना। अब रिलायंस का देख लो, रिलायंस 1 लाख से ज्यादा घंटे काम है। तो यही कॉन्सेप्ट था रिच, जो वर्ड मुझे फैसिनेट करता था, रिच कैसे बनते हैं। जो रिच बनना है तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। एंड बड़े ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एसोसिएशन बन रही है, जो पार्टनर्स इस कंपनी के साथ आपके थ्रू जुड़ के आपका नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है अगर मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि पार्ट टाइम के अंदर करना है, आप अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ करेंगे, छोड़ना नहीं है उसे, छोड़ना है। 2 आवर्स इन्होंने काम किया, सबने 2 आवर्स पार्ट टाइम के अंदर, कौन सा टाइम, वही टाइम जो आप वेस्ट करते हो टीवी के अंदर या ऐसी अन पोटेंशियल एक्टिविटीज के अंदर, उसको पोटेंशियल बना दिया। अब आपका काम कितना हो लगा, 2, 4, 6, 8, 10, 10 आवर्स आपका काम हो गया। अब अर्निंग किसकी ज्यादा है, 8 आवर वाले की, वो भी पार्ट टाइम के अंदर, 10 आवर वाले की। ऐसे जब ये बढ़ पर्सन का हो गया और सबने 2 घंटे काम किया, तो 200 आवर्स आपका काम हो। दिस इज द ब्यूटी। अब मैं उस रिच वर्ड के मॉडल पे पहुंच चुका हूं, अब मैं पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूं। क्यों, अगर मैं 2 घंटे किसी दिन नहीं भी कर पाया तो 200 - 2, 198 आवर्स, तब भी मेरा काम हो रहा है, तब भी आपका काम होगा। रिलायंस इंडस्ट्री आपको लगता है कि बेचा होगा, उन्होंने ऐसे बंदों को हायर किया जो उनके सिम को प्रमोट करे। प्रमोशन, प्रमोशन आज की डेट में अगर पैसा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपके वर्ड ऑफ माउथ में, आपके प्रमोशन की कैपेबिलिटीज में। अब ये चीजें कहीं ना कहीं मुझमें लैग भी कर रही थी, जो ये चीजें मेरे में लैग कर रही थी, क्योंकि जब मैंने बताया ना कि हैं, तो उन्होंने मुझे इस स्किल सेट के ऊपर भी थोड़ा सा फ्लरिश किया। यहां पर मैं था, यहां पर आप हो, और मेरे साथ मेरे अपलाइन मेंटर जुड़े, जिन्होंने रोड मैप दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने इनको, क्योंकि ब्लाइंडली फर्स्ट 90 डेज इनको ज्वाइन करने के बाद मैंने ब्लाइंडली फॉलो, ब्लाइंडली, और जो भी आज मैं बोल रहा हूं जो सीखा, ये सब उसी 90 डेज का रिजल्ट है। मेंटर, कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है, और एक एजुकेशन सिस्टम जो मेरे को उस स्किल्स में फ्लरिश करता है। प्राउडली लेना चाहिए बीडब्ल्यूडब्ल्यू। ये क्या है, मेंटर का पता आपको, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, द
कंपनी का पता चल गया, ये हमें वो प्रोडक्ट्स देगी जो सजेस्ट किया था जे पॉल पिल्सन वाली डेली न्यूज के प्रोडक्ट एंड वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, जो आने वाली डिमांड है और जो चल रही है और मिलियन नहीं ट्रिलियन इंडस्ट्री है। एंड थर्ड पार्टीज बीडब्ल्यूडब्ल्यू, ये है क्या? ये एक ऐसी जो आपके नेटवर्क को, अब अंबानी जी क्या रोज देख लिया, ऐसा नहीं है, अंबानी जी ने एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम देखता है काम। बीडब्ल्यू सिस्टम एक स्कूल है, ये वो स्कूल है जहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़े। और माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको मैं चाहे आपको ये स्कूल में एक बार जरूर भर्ती होना है, उसके बाद जो मर्जी करना, क्योंकि कल आपके बच्चे ये ना कहे काश हमारे पेरेंट्स स्कूल से पढ़े होते। और ये गारंटी है। तो बीडब्ल्यूडब्ल्यू एक ऐसा स्कूल है, मुझे वो स्किल्स सिखाई जो स्किल्स मेरे में, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड जो लास्ट मैनेजरल पोस्ट मैंने छोड़ी है, 140% का फ्लोर जिसको मुझे सिर्फ सुपरवाइज करना था, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ये आपकी डेडलाइन है, और डेडलाइन कंप्लीट ना होने पर आपको पता है कि क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। उस एनवायरमेंट से, उस माइंडसेट से निकल कर माइंडसेट में आना, वर्ड ऑफ माउथ, क्रेडिबिलिटी बनाना, ये सब कुछ इस स्कूल ने सिखाया मुझे। इसके फर्स्ट डे तरुण जी ने बोला कि आप एडमिशन ले लो, मैंने एडमिशन ले ली। और एडमिशन कैसे ली? बेसिकली इनके टूल्स हैं, इनके टूल्स हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। मैंने बताया था शॉप, शॉप से मॉल, मॉल से ई कॉमर्स, वैसे नहीं फास्ट ग्रो कर रहा है। आज ये बिजनेस 100% कंप्लीटली डिजिटाइज है, आप को आप एनी टाइम अराउंड द वर्ल्ड। तो इस स्कूल के अंदर लॉगिन किया, लॉगिन करके कुछ टूल्स मिले जैसे बुक्स, सीडीज और मीटिंग के लिंक्स। आज की जो मीटिंग चल रही है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। यहां से जो सीखा, यहां पर आप इंप्लीमेंट करो, यहां से जो आप सीखोगे यहां पर इंप्लीमेंट करोगे, ये आपको गाइड करेंगे। और ये एमवे प्रोडक्ट, ये सेकंड पावर, थर्ड पावर एंड फोर्थ पावर इज यू। जब आप इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आप एक नई दुनिया में चले जाते हो। बिलीव मी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो 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 खाना मेरी मम्मी बनाती हैं, उसका टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वो तभी एक्सप्लेन हो पाएगा जब आप एक बार मेरे घर आके मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाओगे। तो ये वैसा खाना है जो आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे ना, आप किसी को बता नहीं पाओगे कि इसका टेस्ट कैसा है। ये तो ये फीलिंग्स के साथ जो स्किल सेट इंप्रूव हुआ, वो आज का ये स्किल सेट है जो मैं आपके सामने खड़ा बोल रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, है अगर इसकी क्रेडिबिलिटी की बात करूं मैं, तो इसका नाम ही काफी है। वैसे तो आज हर कोई इसके बारे में जानता है, और हम लोग हमेशा बात करते हैं तरुण जी और मैं कि ये मोस्ट वोकैबुलरी यूज की, जहां पे उन्हें पार्टनर वर्ड यूज करना है वहां पे मेंबर वर्ड यूज किया, और जहां पे बिजनेस वर्ड यूज करना यूज किया, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो गलत प्रोजेक्ट हो गया। तो जिन्होंने गलत प्रोजेक्ट किया है, आज होपफुली जिनके माइंड के अंदर ये डाउट होगा कि मेंबर मेकिंग स्कीम है, तो उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर एमवे की बात करता हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, 110 कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेटिव है, सक्सेसफुली ऑपरेटिव है, लीगली ऑपरेटेड है, और 450 इंडस्ट्रीज लेके, होम केयर से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, आप प्रोडक्ट जो घर में पड़ा है आपके, आप सोच कर देखो कौन सा प्रोडक्ट इनके पास पड़े, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है और आपका बिजनेस स्टार्ट। 1998 में इंडिया के अंदर आई थी, एंड आई कैन से इट्स श्योर इट इज अ मदर ऑफ नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये मदर है। के बाद सेम प्लेटफॉर्म को कॉपी करने के लिए बहुत लोग आए,
और चले गए, बिकॉज जो एथिकल वे वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहां तक पहुंचना और उन्हें कंसिस्टेंटली यूज करना सबके बस की बात नहीं है। 1100 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं। पेटेंट मतलब होता है कि इनका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इन्होंने खुद इन्वेंट किया है और वो कॉपी नहीं कर सकते। 100% डेट फ्री कंपनी है, 100% डेट फ्री। आपको मालूम है बहुत सारे आज भी जो बच्चा पैदा हुआ है अभी राइट नाउ हमारी इस सेशन के अंदर इंडिया में जो पैदा हुआ उनके सर के ऊपर कर्जा है, नेशनल डेट, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनमें जो पैसा लगता है, जितना डिफेंस फोर्सेस में पैसा लगता है, वो सब पैसा इंडिया खुद से नहीं बना पाता है, उसे वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेना पड़ता है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ टाइप करना पड़ता है। तो उन डेट के चलते हुए आज भी जो बच्चा पैदा नेशनल डेट, कंपनी डेट फ्री है भाई, किसी का कोई लेना देना नहीं है इसको, खुद के प्लांट्स हैं, खुद की 75 प्लस R&D लैब्स हैं, खुद के 1000 हाईली स्किल्ड वेरी इनोवेटिव साइंटिस्ट हैं। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं तो 20,000 प्लस इनके वर्ल्ड वाइड, इसके ऊपर डिटेल्ड अभी मैंने कुछ ही दिन पहले सेमिनार और हमारे ग्रेट अप्लायंस सतेंद्र सर ने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहते हो आप अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करके उसकी डिटेल्स ले सकते हो, कहां पर लाइन आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देखना एक बार। ये एमवे की क्रेडिबिलिटी है, जिसने आपको इनवाइट किया है उसके उसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। एमवे के बारे में मैंने बता दिया, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बता दिया, अब डिसीजन आपका है, आपको देखना है साथ कहना है। तो एंड में एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं क्लोज करूंगा। ये जो मॉडल है, इस मॉडल के बारे में एक बार एक आदमी से और गलती ऐसी जो क्रिमिनल ऑफेंस में बदल जाती है, उसे पकड़ा जाता है, पकड़ के जज साहब के सामने ले आया जाता है, कि मुझे तुम लगते इनोसेंट हो लेकिन सारे एविडेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट है, तो ये मैं मानता हूं कि एक क्राइम तुमने किया, तो इसकी सजा यही है। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे सकता हूं, या तो आप 100 कोड़े खा लो या 100 प्याज और हरी मिर्च खा लो। कहता यार कोड़े तो खाते हुए मूवीज में देखा है, वो तो चमड़ी उधेड़ देते हैं, ओके सोखे ओके मिर्ची खा लेते हैं, 100 मिर्ची मांग लेते हैं, जे 100 मिर्ची खिला दो जैसा करके, ठीक है लाओ लाओ भाई मिर्ची की प्लेट लाओ, मिर्ची की प्लेट आती है 2-4 छाली। कहता यार मिर्ची वाला काम तो बड़ा मुश्किल है, रिक्वेस्ट करके देखते हैं कोड़े ही खा लेते हैं। कहता जज साहब सॉरी मैं डिसीजन बदल रहा हूं, मुझे कोड़े दे दो, 1-2-5-10 कोड़े में फिर बस फिर नहीं मैं मिर्ची खा लूंगा, फिर बस फिर कोड़े पे आ गया, फिर कोड़े खा लिए, फिर मिर्ची खा ली। एंड में करते करते भाई साहब वो 100 मिर्ची भी खा गया। और ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज थी वो इतनी इवॉल्व नहीं थी और वो किसी को सबमिट नहीं कर पाया, किसी से पूछ नहीं पाया। लेकिन आज आपके पास वो डिसीजन लेने का बहुत 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 वंडरफुल मौका है। आप इसको देखो ओपन माइंडेडली, देखो आई एम नॉट कन्विंसिंग यू एट ऑल, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एट ऑल, बट जस्ट अ सिंपल होप कि जो काम मैंने कुछ देखा था, जो मेरी लाइफ के साथ मैंने रियल लाइफ स्टोरी आपको सुनाई है उससे कनेक्टेड है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ये ऐसे चेंजेस ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। विद ऑल दैट
back to the host. Okay, that was such a wonderful session. Or last में जो जैसे रघुबीर जी ने अपनी एक स्टोरी के साथ एंड किया कि उसमें बेचारे ने 100 कोड़े भी खा लिए और 100 मिर्चे भी खा गया. Why? Because वो एक सही डिसीजन ही नहीं ले पाया, कंफ्यूज्ड रह गया. माई डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि रघुबीर जी ने बड़े ही आराम के साथ एक एक पॉइंट को बड़ा डिटेल में कवर करते हुए आसानी के साथ एक्सप्लेन किया है, ताकि हर एक इंसान जो भी प्रेजेंट है आज यहाँ पर वो आसानी से इस चीज को समझ सके. राइट, फिर भी क्योंकि चीजें नई हैं, मी इवन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने भी इस चीज को पहली बार देखा, कुछ चीजें मैं भी नहीं समझ पाया, टाइम लगता है थोड़ा. लेकिन जितना भी आप समझे हैं उसी से ही कैरी ऑन कीजिए. और जिन्होंने भी आपको इस सेशन में बुलाया है उनके साथ दोबारा बैठिए. हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपने कैच किए, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप कैच नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर दोबारा बैठेंगे उनके साथ तो वो आपको हेल्प करेंगे और अच्छे से जानकारी लेने में और बेहतर समझने में. मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स के मैसेजेस पढ़ ही रहा हूँ कि वंडरफुल सेशन, ग्रेट सर, अमेज्ड बाय द सेशन, फोकस ऑन वोकैबुलरी, मार्वेलस सेशन, हैट्स ऑफ टू यू, माइंड ब्लोइंग सेशन. ये और शायद सारे मैसेजेस रीड करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा. आप सबके मैसेजेस ही बता रहे हैं कि कितना बढ़िया रघुबीर जी ने बताया. और मेरे ख्याल से एक बार जबरदस्त क्लैपिंग शो बनती है हमारे ग्रेट स्पीकर रघुबीर जी के लिए. सो उन्होंने आज सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को ना कि सिर्फ बखूबी समझाया, बल्कि अगर आपके कुछ डाउट्स भी होंगे उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एक मैं लास्ट में आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करने चाहूंगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्की द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और वर्ल्ड की टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स KPMG ने मिलकर किया. उनका ये कहना है कि आज की डेट में ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, 2021 में ये तकरीबन 13,000 करोड़ की है और 2025 तक पहुंचते ये इंडस्ट्री तकरीबन 65,000 करोड़ की हो जाएगी. आज तकरीबन 40 लाख लोग हिंदुस्तान में इसके साथ जुड़े हुए हैं और 2025 तक पहुंचते तकरीबन 2 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि 98 से शुरुआत हुई जिस इंडस्ट्री की 100 करोड़ से, आज 2021 में हमारे बगैर भी 13,000 करोड़ तक पहुंच गई. और आज हम चाहे इस इंडस्ट्री को चूज करें या ना करें, आपके बगैर ये 65,000 करोड़ तक भी पहुंच ही जाएगी. चूज आपको करना है माय डियर फ्रेंड्स कि क्या आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनके अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं या नहीं. मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी की रिपोर्ट जो कि अब तक फुल प्रूफ साबित हुई है, आगे चल के आप उसकी कंप्लायंस में रहना चाहते हैं या नहीं. आप एक फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते हैं या फिर एक स्ट्रगल की लाइफ जीना चाहते हैं. पार्ट टाइम में कितनी पावर है, नेटवर्किंग में कितनी पावर है, प्रमोशन में कितनी पावर है. मैं बता नहीं सकता कितने पॉइंट्स कवर किए रघुबीर जी ने इतनी आसानी के साथ. और ये सारी चीजें आपको घर बैठे बैठे आराम से अपने लैपटॉप या मोबाइल से करने का एक मौका मिल जाए, जहां पर इनकम पोटेंशियल की कोई कमी ना हो, तो व्हाई नॉट माय डियर फ्रेंड्स. इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इसके कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं और यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री. मैं इनकरेज करूंगा कि आप उनके साथ दोबारा बैठिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप शुरुआत कीजिए. जो भी आपके डाउट्स होंगे धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे एंड वी विल वर्क टुगेदर एज ए टीम एंड मिलके धूम मचाएंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी के साथ मैं एक लिंक शेयर करने जा रहा हूँ. दैट इज ए फीडबैक फॉर्म जो मैंने चैट सेक्शन में जिसका लिंक आप सभी के साथ शेयर किया है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी न्यू पार्टिसिपेंट से कि जिन्होंने भी आज इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, काइंडली आप उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल कीजिए ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से सर्व कर पाए.
So thank you, my dear friends. Meeting will be over in next 2 minutes. Till then, you can use that time to fill the feedback form. Thank you so much. Take care. और फिर से दोबारा मिलेंगे इसी सेशन को इसी तरह किसी और स्पीकर के दोबारा सुनेंगे, उनके व्यूज जानेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को जानेंगे. Till then, take care of yourself and have a good time. Bye-bye.